फैंटम फिल्म्स कंपनी के बंद होने की घोषणा करने के साथ ही अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी ने क्वीन डायरेक्टर विकास पहल को लेकर कई खुलासे किए हैं। लेकिन जब कंगना ने आकर विकास पहल को लेकर सेक्सुअल हरासमेंट पर बयान दिया और क्वीन की शूटिंग के दौरान होने वाली कई घटनाओं के जिक्र के साथ अपनी बात रखी, तो इसे लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया सोनम कपूर की आई है। हाल ही में वह एक खास कार्यक्रम का हिस्सा बनी। मी टू अभियान के बारे में जब सोनम कपूर से पूछा गया तो उन्होंने विकास मामले को लेकर कहा कि ये बहुत निराशाजनक है। ये पूछे जाने पर कि वह खुद अगर इस हालात में होती तो कैसे डील करती, इस बारे में सोनम ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वह इस मामले को कैसे डील करती। फिर आगे ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा विकास के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सोनम ने कंगना का जिक्र करते हुए कहा कि कंगना ने तो उठाई है। यहां तक तो सोनम कंगना को सपोर्ट करती नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद कंगना के लिए सोनम ने जो कहा, इस बात से कंगना नाराज हो उठी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कभी कभी उनकी बातों को गंभीरता से लेना मुश्किल होता है, लेकिन वह हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। बता दें, इस पूरे मामले को तूल फैंटम फिल्म में एक महिला कर्मचारी के साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट मुद्दे के कारण दिया जा रहा है। सोनम के इस बयान के बाद कंगना को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि सोनम ने उनके बारे में ये बात क्यों कही कि कभी कभी उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सोनम को कहा कि उन्हें ये अधिकार किसने दिया है कि वह मुझे जज करे। मैं अपनी जो भी मी टू स्टोरी शेयर की है उस पर उन्हें अधिकार किसने दिया कि वो मुझे जज करें। उन्होंने आगे कहा कि सोनम कपूर के पास क्या लाइसेंस है कि वह कुछ महिलाओं पर यकीन करें और कुछ पर नहीं।